बेलीपार पुलिस ने दो अंतरजनपदीय असलाह तस्करों को 315 बोर के तमंचा और एक जिंदा कारतूस तथा एक चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान बेलीपार थाना क्षेत्र के महावीर छपरा निवासी विशाल गुप्ता पुत्र सुभाष गुप्ता और बिटौली निवासी विकास निषाद पुत्र विघ्नेश निषाद के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से दो 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और चोरी का एक मोबाइल बरामद किया है, जबकि इनके दो साथी बेलीपार थाना क्षेत्र निवासी सोनू निषाद पुत्र भानु प्रताप निषाद और गोलू निषाद पुत्र धनय निषाद भागने में सफल रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ बांसगांव नितेश सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग महरौली पेट्रोल पंप के सामने ढाबे के पास से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो अभियुक्त भागने में सफल रहे। सीओ बांसगांव नितेश सिंह ने बताया। आज दिनांक 30/9 को दो लोग हमारे थानाध्यक्ष और उनकी टीम, उसमें रविसेन यादव और जितेंद्र यादव निरीक्षक हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तारी का प्रयास किया, जिसमें दो लोग गिरफ्तार किए गए। मैं असलाह के 315 बोर के, और ये लोग कुछ योजना बना रहे थे क्राइम करने की, और इनके पास में से इनके एक साथी के साथ एक मोबाइल जो चोरी का था वो भी बरामद किया गया। शेष दो भाग गए हैं, पुलिस का प्रयास जारी है उनको गिरफ्तार करने का। इसके पूर्व का भी इनका कोई तारीख इतिहास किसी में नहीं है।